यूक्रेन में फंसे लोगों के भारत आने का सिलसिला जारी। आज भी 219 छात्रों को लेकर रोमानिया से मुंबई के लिए फ्लाइट ने भरी उड़ान। विदेश मंत्री ने की तस्वीरें जारी। यूक्रेन में यूपी के 341 छात्र और आम नागरिक फंसे। यूपी सरकार ने की लिस्ट जारी। यूक्रेन से भारत पहुंचने वाले यूपी के लोगों के लिए राज्य सरकार करेगी व्यवस्था। दिल्ली एयरपोर्ट पर यूपी सरकार बना रही है हेल्प डेस्क। बलरामपुर रैली में अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा, डबल इंजन की सरकार में महंगाई डबल। भाजपा के गलत फैसले से जनता परेशान। बलिया में सीएम योगी ने की विकास के नाम पर वोट की मांग। कहा, बिना भेदभाव का यूपी में हमने सबका विकास किया है। सरकार वही तंत्र वही लेकिन काम करने का तरीका बदला। कुशीनगर में जेपी नड्डा ने योगी सरकार की फिर जीत का किया है दावा। कहा, जनता योगी सरकार के काम से खुश। अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा, हार से डरे हैं अखिलेश यादव।